अब आप देखें कि मुनाफिकत करती क्या है और इसने किया क्या माशरे में, यानी जाहिर में सब इबादत गुजार, जाहिर में परहेज गुजार, नवाफिल सजदे, लेकिन अंदर इन्फाक पाया जाता। यही चीज़ हसद हो या जो भी हो, इसी ने तबाह कर दिया इस्लाम को। आप देखेंगे जैसे ही रसूल खुदा गया उसके बाद ओवरकम कर लिया इन लोगों ने। यहाँ कुछ और होते थे रसूल के पास, दुश्मनान रसूल के पास कुछ और होते। क्या ये दो फेज़ मुनाफिकत के सिंपल क्या है? बोले आजकल बच्चे बोलेंगे मौलाना हमें क्या पता मुनाफिकत किसको कहते हैं। यानी टू आईडीज, दो आईडीज जो है ना वो मुनाफिकत है आज की लैंग्वेज के अंदर। आप यहाँ कुछ और हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ और हैं, अभी हमें क्या पता आप इंस्टाग्राम पे क्या हैं या फेसबुक पे आप कैसे हैं, हमें तो नहीं पता। जो आपने आईडी बनाई हुई भी है, आपने अपनी तस्वीर डाली हुई है, किसी और की डाली हुई है, वो जाहिर है। अगर आप सामने से कुछ और दिखा रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन है कुछ और, तो क्या है वो? मुनाफिकत है। जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। यहाँ पर हो सकता है जाहिर में बहुत अच्छा, बहुत परहेजगार, लेकिन सोशल मीडिया पर अल्लाह अकबर, कैसा हूँ मैं, किसी को क्या पता कैसा हूँ मैं। मेरी हिस्ट्री जो है सर्च की, वो तो मैं डिलीट कर देता हूँ, बच्चे डिलीट कर देते हैं, क्यों? अम्मा अब्बा को पता ना चले। लेकिन अगर वो दिखा दी जाए सारी, तो बच्चे किसके सामने शर्मिंदा होंगे? खुद शोहर बीवी के सामने शर्मिंदा है। अजाने मोहतरम, आप क्या समझ रहे हैं? मतलब आप जब हम कोई बात करते हैं तो आप फौरन कहते हैं नहीं वो तो दुश्मन होंगे, ऐसे होंगे ना, अपने अपने ऊपर हम रख के देखें, हम कितने मुनाफिक हैं, जाहिर में हम क्या हैं, बातिन में हम क्या हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया है, सबसे बड़ी मुनाफिकत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उधर देखा कमेंट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ कमेंट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या कर रहा हूँ, खूबी क्या है? दो रू यानी दो शक्लें बनाकर बूटा हुआ मैं। एक मेरी आइडेंटिटी वो है जो मेरे मोहल्ले वाले जानते हैं, एक मेरी आइडेंटिटी वो है जो मेरा मोबाइल जानता है, बस। एक मेरी आइडेंटिटी वो है जो लोगों के सामने मैं हूँ, एक मेरी आइडेंटिटी वो है कि जो मैं अपनी तन्हाई और खलवत में हूँ। मैं किसके साथ मुनाफिकत कर रहा हूँ? मैं अपने साथ कर रहा हूँ, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, ज़लम तो नफसी, मैं अपने ऊपर जुल्म कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं, मैं अपने आप को नुकसान दे रहा हूँ। इंसान माशरे में अखलाक अच्छा, लेकिन अपनी जौजा के साथ उसका अखलाक कैसा है? यहाँ तो खिदमत करते थकता नहीं, और घर में बद अखलाकी करते थकता नहीं। वह जाने वो तो खूब, ये निफाक आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। आज एक चीज़ के लिए है, कल दूसरी चीज़ के लिए होगा, परसों फिर आप कम्युनिटी के लिए, फिर आपको कल को मिसाल के तौर पर अगर कोई एक कम्युनिटी में जॉब मिल रही है, कोई एक आपको डेजिग्नेशन मिल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपके अंदर ये मुनाफिकत बिल्ड हुई थी, तो कल को आप काम में भी ये करेंगे, सामने ऐसे करेंगे, पीछे आप कुछ और करेंगे। जैसे हम लोग सामने बहुत बहुत से लोग बहुत सी अच्छी बातें मजहबी सारे होते हैं, लेकिन नीचे बैठते हैं आए महाराज कराम को क्या पता अभी दुनिया में क्या हो रहा है, महाराज क्या है, इधर बोलो तो इससे अच्छा मुकल्लिद ही कोई नहीं होगा। मुनाफिकत है वो, हम चीज़ों को समझ नहीं जाने वो। खूब ये कल्ब का मर्ज है, ये जो बीमारी है ना, ये कुलूब में है, जाहिर में नहीं है बीमारी का। आप बोले डॉक्टर को दिखाऊं, डॉक्टर मुझे चेक करें कितनी मुनाफिकत है, या पीसीआर टेस्ट कराएं मेरा तो पता चले कि कितनी परसेंटेज है ना। ये वायरस जाहिरी वायरस नहीं है, ये वायरस बातिनी वायरस है, और यही फिर इंसान के अंदर इतना फैल जाता है कि इंसान वली खुदा के सामने आ जाता है। इसका बेस्ट इलाज क्या है? कि इंसान विलायत की वैक्सीनेशन लगाता रहे, अपने आप को अहले बैत के दर पे झुकाता रहे, खुद ब खुद निफाक हट जाएगा। क्यों ये हदीस है कि मौलाए अली का जिक्र करो, मुनाफिक और मोमिन की पहचान हो जाएगी। अगर चेहरा खिल गया तो समझ लो कि मोमिन है, और अगर शिकने पड़ गई तो समझ लो कि नारे हैदरी। या
खुदा का शुक्र कि खुदा ने बहरहाल हमें इन बीमारियों का इलाज दिया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि ऊंची आवाज में सलावात पढ़ना दिल से निफाक को दूर करता है। सलावात मोहम्मद।